मेरा नाम रमेश चांदवानी है, कानपुर से हूँ मैं। बापू से दीक्षा मैंने 2003 में लिया है। बापू जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं बेबुनियाद है। यही सरकार से निवेदन है कि उनको जल्द से जल्द कारावास से मुक्त करें, ताकि देश में नई एक उमंग सत्संग का लोगों को लाभ मिल सके। मेरे को गर्व होता है कि मैं बापू जी का शिष्य हूँ। बापू जी निर्दोष हैं और उसको तुरंत कारवा से बापू जी को रिहा करें, सरकार से मेरी ये निवेदन है। 6 सालों से बापू जेल के अंदर बंद है, लेकिन ये भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते और सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। मेरा नाम रमेश चांदवानी है, कानपुर से हूँ मैं। क्या करते हो? मेरा छोटा सा बिजनेस है कन्फेक्शनरी का। कितने सालों से जुड़े हो बापू से? बापू से दीक्षा मैंने 2003 में लिया है, और दीक्षा के बाद तो मेरा अच्छे से बहुत परिवर्तन हुआ है। मेरा व्यापार में बहुत अच्छी सी तरक्की हुई है मेरी। आज जो बापू पे जो आरोप लग रहे, बापू जेल के अंदर बंद है, उसके बारे में क्या कहोगे? बापू जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं बेबुनियाद है। ये ईसाई मिशनरियों के द्वारा एक इनके ऊपर षड्यंत्र रचा गया है। बापू जी ईसाई मिशनरियों के ऊपर बिल्कुल एकदम से जो धर्मांतरण ये लोग करवाते थे उन पर रोक उन्होंने लगाई, इसी कारण वो आज जेल में हैं। मेरा यही सरकार से निवेदन है कि उनको जल्द से जल्द कारावास से मुक्त करें, ताकि देश में नई एक उमंग सत्संग का लोगों को लाभ मिल सके। अभी समाज में जाते हो, रिश्तेदार में जाते हो, संकोच नहीं होता कि हम बापू के शिष्य हैं? मैं बिल्कुल संकोच नहीं होता है, मेरे को गर्व होता है कि मैं बापू जी का शिष्य हूँ। बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है, निर्दोष हैं बापू जी, निर्दोष हैं। एक बार नहीं कोटि बार मैं कहूँगा बापू जी निर्दोष हैं, और उसको तुरंत कारवाई से बापू जी को रिहा करें, सरकार से मेरी ये निवेदन है। आपने देखा 6 सालों से बापू जेल के अंदर बंद है, लेकिन ये भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते और सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरा मैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सनश्री आसाराम जी बापू आश्रम, कानपुर से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए।